नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, लेकिन ये आदमी कहीं और दुनिया बसाना चाहते हैं। इलॉन मस्क इस मकसद के साथ जीते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर एक इंसानी बस्ती बसानी है। इसी काम के लिए मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू की। स्पेसएक्स का उद्देश्य है स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना और मनुष्यों को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। मल्टीप्लैनेटरी मतलब एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति। इलॉन मस्क मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहते हैं, यानी एक आत्मनिर्भर इंसानी बस्ती जो पृथ्वी से इंडिपेंडेंट हो, बिना किसी मदद के लंबे समय तक चल सके। जब इलॉन मस्क से ये पूछा जाता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका जवाब है, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम हमेशा पृथ्वी पर रहें और भविष्य में होने वाली किसी विनाशकारी घटना का इंतजार करें। हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, या जैसे एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर समाप्त हो गए थे, वैसे ही हम भी खत्म हो जाएं। इस तरह की किसी भी घटना से हमारी प्रजाति का अस्तित्व खतरे में ही रहेगा। दूसरा रास्ता ये है कि हम इस ग्रह से बाहर निकलकर दूसरे ग्रहों पर भी बस्ती बसाएं। इस तरह मनुष्य अपने विनाश को टाल सकेंगे। दूसरा सवाल कि मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना चाहते हैं, कोई और ग्रह क्यों नहीं? इस पर इलॉन मस्क बताते हैं, हमारे सौरमंडल में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। शुक्र यानी वीनस, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एसिड की बारिश होती है। फिर है मरकरी यानी बुध ग्रह, यह भी सूरज के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बृहस्पति और शनि यानी कि जुपिटर और सैटर्न, इन पर तो बसा नहीं जा सकता क्योंकि ये गैशियस प्लैनेट है, लेकिन इनके चांदों पर जाया जा सकता है। इनके कई चांद हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो हम अपने पृथ्वी के चांद को भी टारगेट बना सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी बस्ती के हिसाब से बहुत छोटा पड़ जाएगा और यहाँ कोई वायुमंडल भी नहीं है। हमारे चांद पर मंगल के मुकाबले बहुत कम संसाधन है, इसलिए फिलहाल मंगल सबसे अच्छा ऑप्शन है। मंगल पर माहौल क्या है ये जान लेते हैं। मंगल पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर है, इसलिए ये बहुत ठंडा है। मंगल पर औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है। इलॉन मस्क कहते हैं कि थोड़ा ठंडा है लेकिन इसे गर्म किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। मंगल की हवा कैसी है, बहुत ही ख़राब है। मंगल के वातावरण में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, करीब 96% है, करीब 2.5% नाइट्रोजन है और लगभग 2% आर्गन। हमारे काम की जो गैस है ऑक्सीजन, हमारी सबसे प्यारी गैस, सिर्फ 0.174% है। मंगल का जो डायमीटर है उसका व्यास पृथ्वी से लगभग आधा है। ये आप सोच रहे होंगे कि छोटा है, लेकिन ये सबसे पृथ्वी के करीब साइज वाला ग्रह है। बाकी ग्रह या तो पृथ्वी से बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। मंगल पर जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, वो पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1/3 है। मतलब आप मंगल पर आसानी से लंबी छलांग मार पाएंगे। मंगल और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग एक ही स्पीड से घूमते हैं, इसलिए मंगल पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से सिर्फ 40 मिनट बड़ा होता है। दिन लगभग बराबर है। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए इलॉन मस्क के पास क्या प्लान है? सितंबर 2016 में इलॉन मस्क ने अपने प्लान और उसके कई तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। मंगल पर लाखों लोगों को एक शहर में बसाना है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है पैसे की। इलॉन मस्क ने एक वेन डायग्राम दिखाया। दो गोले हैं, एक गोले में वो लोग हैं जो मंगल जाना चाहते हैं और दूसरे गोले में वो लोग हैं जो इसका खर्च उठा सकते हैं। ये दोनों गोले अभी फिलहाल बहुत दूर है, तो इन्हें धीरे धीरे करके पास लाना है। मस्क के मुताबिक एक आदमी का मंगल जाने का उतना ही पैसा लगना चाहिए जितना अमेरिका में एक घर खरीदने का औसत खर्च है, यानी कि $2,00,000, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। ये खर्च इतना कम कैसे होगा? इलॉन मस्क ने इसके लिए 4 सूत्र बताए। पहला, फुल रीयूजेबिलिटी। रॉकेट और स्पेसशिप जैसी बड़ी चीज़ें जो इस मिशन में काम आएंगी, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, यही है रीयूजेबिलिटी। आमतौर पर एक स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट सिर्फ एक ही बार के लिए होता है। बीते दशक स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स में बहुत तरक्की हासिल की। 2015 में स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद दोबारा सही सलामत ज़मीन पर लैंड कराया। इसके कुछ महीने बाद उन्होंने इसी रॉकेट को समुद्र में तैनात एक ड्रोन शिप पर लैंड कराया। इससे मिशन का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। मस्क चाहते हैं कि मिशन की सारी बड़ी चीज़ें, यानी कि रॉकेट और उसके ऊपर लगा स्पेसशिप, ये रीयूजेबल हों। दूसरा, रिफिल इन ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा में फ्यूल भरना। पहले रॉकेट स्पेसशिप को लेकर पृथ्वी की कक्षा में तैनात कर देगा, वो परिक्रमा करेगा। उसके बाद स्पेसशिप पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और रॉकेट नीचे लैंड करने आ जाएगा। फिर इसी रॉकेट के ऊपर एक फ्यूल टैंक लगाया जाएगा। रॉकेट तुरंत इस फ्यूल टैंक को पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रही स्पेसशिप के पास ले जाएगा। रॉकेट दोबारा नीचे आ जाएगा। ये टैंकर भी स्पेसशिप में फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने से छोटा रॉकेट बनाकर उसमें ज़्यादा सामान और लोग भरे जा सकते हैं, फ्यूल का एक्स्ट्रा वेट नहीं होगा। मस्क के मुताबिक ऐसा करने से मिशन का खर्च करीब 5 गुना कम हो जाएगा।
तीसरा, मंगल पर प्रोपेलेंट बनाना। प्रोपेलेंट यानी वही फ्यूल जिससे रॉकेट उड़ान भरता है। मंगल पर ढंग का शहर बनाने के लिए स्पेसशिप को वापस पृथ्वी पर भेजना होगा। ऐसा नहीं किया तो मंगल स्पेसशिप्स का कब्रिस्तान बन जाएगा और वहां गए लोगों के पास वापस लौटने का ऑप्शन भी तो होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मंगल पर ही प्रोपेलेंट बनाया जाए। मस्क के मुताबिक ये करने से मिशन का खर्च 5 गुना और कम हो जाएगा। मंगल पर प्रोपेलेंट बनाने के लिए सही माहौल है। मंगल के वायुमंडल में खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है और ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है, यानी CO2 और H2O का जुगाड़ हो गया। इन दोनों की मदद से O2 यानी ऑक्सीजन और CH4 यानी मीथेन बनाई जा सकती है, जो कि प्रोपेलेंट के काम आती है। चौथा, सही प्रोपेलेंट का चुनाव। रॉकेट फ्यूल के लिए 3 मेन चॉइस थी पहले। पहला है केरोसिन, जो कि कई रॉकेट्स में बहुत ही रिफाइंड केरोसिन प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा है मीथेन। मस्क के मुताबिक इन तीनों में से मीथेन आधारित प्रोपेलेंट सबसे सही साबित होगा और उसे मंगल पर आसानी से बनाया भी जा सकता है। तो इलॉन मस्क के मुताबिक ये 4 बातें ध्यान में रखकर मंगल पर पहुंचने और लौटने का खर्च काफ़ी कम किया जा सकता है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि क्या क्या होगा। पहले तो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट में छोड़ेगा, फिर वो रॉकेट दोबारा पृथ्वी पर लैंड करेगा। उसी रॉकेट के ऊपर तुरंत फ्यूल टैंक रखा जाएगा। रॉकेट इस फ्यूल टैंक को लेकर स्पेसशिप के पास जाएगा जो ऊपर परिक्रमा कर रही है। रॉकेट दोबारा ज़मीन पर वापस लैंड कर जाएगा। फ्यूल टैंक से स्पेसशिप में फ्यूल ट्रांसफ़र होगा और फिर वो फ्यूल टैंक भी पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में ऐसा 3 से 5 बार किया जा सकता है। फिर ये स्पेसशिप मंगल तक जाएगी, ये सोलर पावर पर चलेगी, मंगल पर प्रोपेलेंट बनाया जाएगा, इस प्रोपेलेंट को दोबारा स्पेसशिप में भरा जाएगा और ये स्पेसशिप पृथ्वी वापस लौट आएगी। ये मोटा मोटी एक प्लान है। मस्क के मुताबिक भविष्य में ऐसा होगा कि पृथ्वी की कक्षा में एक साथ हजारों स्पेसशिप होंगी। ये सभी स्पेसशिप मार्स की तरफ एक साथ जाएंगी जब मंगल ग्रह अपनी सही पोजीशन पर होगा। ये सही पोजीशन क्या है? पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर 26 महीने में एक बार ऐसा वक्त आता है जब पृथ्वी से मंगल पर स्पेस मिशन भेजा जा सकता है। इस समय अवधि को लॉन्च विंडो कहते हैं। जब ये लॉन्च विंडो का वक्त नज़दीक आएगा तभी SpaceX का जहाजी बेड़ा, हजारों जहाज एक साथ मंगल की ओर निकलेंगे। ऐसा प्लान है। इलॉन मस्क मंगल पर करीब 10 लाख लोगों का शहर बसाना चाहते हैं। शुरुआत में एक स्पेसशिप 100 लोग और खूब सारा सामान लेकर जाएगी। इस हिसाब से करीब 10,000 बार उड़ान भरनी होगी, तब जाकर 10 लाख लोग पहुंचेंगे। इतने सारे लोग पहुंचाने में टोटल कितना वक्त लगेगा? मस्क का अनुमान है कि पहले लॉन्च के बाद, यानी जब पहली बार इंसान भेजे जाएंगे, उसके बाद करीब 40 से 100 साल और लग सकते हैं। SpaceX भविष्य में और बड़े स्पेसशिप तैयार करेगी। इनसे एक बार में 100 से ज़्यादा 150-200 लोग भी एक साथ भेजे जा सकेंगे और उनके साथ खूब सारा सामान। इलॉन मस्क का मास रॉकेट एक बार में करीब 550 टन का पेलोड उठा पाएगा, भविष्य में जो रॉकेट का प्लान है। लगभग इसी साइज का रॉकेट नासा का Saturn V भी है। इसे अब तक बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल करके नासा ने चांद पर लोगों को उतारा था। Saturn V एक बार में 135 टन का पेलोड उठा पाता है। मस्क अपने बड़े रॉकेट से 550 टन उठाने का दावा कर रहे हैं। SpaceX ने अपने रॉकेट के लिए खास तरह का इंजन डिजाइन किया है। इस इंजन का नाम है राप्टर इंजन। जो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा उसमें 42 राप्टर इंजन लगे होंगे और जो स्पेसशिप मंगल तक जाएगी उसमें 9 राप्टर इंजन लगे होंगे। ये बड़े रॉकेट और स्पेसशिप बहुत आगे के प्लान हैं, ये जो इलॉन मस्क ने बताए। फिलहाल SpaceX जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद और मंगल पर मिशन के लिए तैयार कर रहा है, जिसे भेजा जा सकता है, उसका नाम है स्टारशिप। साल 2020 में स्टारशिप की कई टेस्ट फ्लाइट की गई। इनके बाद स्टारशिप की डिज़ाइन में बदलाव भी किए गए, आगे भी होंगे। इसकी कई और टेस्ट फ्लाइट्स होने अभी बाकी हैं। यही स्टारशिप आगे चलकर SpaceX के पहले मार्स मिशन में काम आएगी। अब सवाल है कि मंगल पहुंचकर करेंगे क्या? मतलब मंगल पर बस्ती का क्या हुलिया होगा, वहां कैसे रहेंगे? इलॉन मस्क ने इसे लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है। शुरुआत में वो मंगल को टेराफॉर्म करने की बात कह रहे हैं। टेराफॉर्म करने का मतलब है किसी ग्रह का वातावरण बदलकर उसे मनुष्यों के रहने लायक बनाना। इलॉन मस्क की ट्विटर कवर फोटो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मंगल को धीरे धीरे पृथ्वी में तब्दील होते देखा जा सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? मस्क कहते हैं कि मंगल को बस ज़रा सा गर्म करने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए इलॉन मस्क मंगल के ध्रुवों पर न्यूक्लियर वेपन चलाने जैसी बात कर चुके हैं। आइडिया ये है कि मार्स के ध्रुवों पर न्यूक्लियर हमले से वहाँ बर्फ में फंसी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छूट जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और मंगल ग्रह गर्म हो जाएगा। अपने स्टैंड के लिए मस्क को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है।
हाल ही में जब मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ और बात कही। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि पहले मंगल पर जीवन ग्लास डोम्स के अंदर होगा, यानी कि ग्लास की इमारतों के अंदर। उसके बाद मंगल को टेराफॉर्म किया जाएगा जिससे वो पृथ्वी जैसे लाइफ सपोर्ट कर सके। टाइमलाइन को लेकर इलॉन मस्क हमेशा बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में पहला स्पेसएक्स रॉकेट मंगल ग्रह जा सकता है। इस रॉकेट में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ सामान होगा। ये सामान आगे जाने वाले ह्यूमन मिशंस के लिए मददगार साबित होगा। मस्क ने कहा था कि साल 2050 तक हम मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी, यानी एक आत्मनिर्भर शहर देख पाएंगे। ये कब और कैसे होगा ये हमें भविष्य में ही पता चलेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें आपको बताता रहेगा दी लेलन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।